जी आया नू, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। बड़ी स्क्रीन पर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमूमन अदाकारा करियर की शुरुआत में नेगेटिव कैरेक्टर्स करने से बड़ा कतराती है, मगर आपने बतौर अदाकारा अपनी पहली फिल्म ब्लाइंड लव में नेगेटिव कैरेक्टर की ऑफर कैसे कबूल कर ली? वेल इट वाज जब वो मुझे फिल्म मिली थी एज एन ऑफर, तो मेरे भी कुछ जिस तरह एक होता है ना, कुछ उनके टर्म्स होते हैं, कुछ मेरे टर्म्स होते हैं, सो मेरे टर्म्स बहुत हाई थे एंड दे वर अग्रीइंग टू दिस एंड दे वांटेड मी टू डू इट। फैसल बुखारी के बेटे ने डायरेक्ट की थी, राइट? यस, ब्लाइंड लव। ओके, तो उसमें आई द टीम वाज रियली नाइस, मतलब टीम अच्छी थी। और मुझे ये लगता है जब कोई इंसान अच्छी तरीके से बात करता है और बहुत यू नो आई कांट से नो टू दैट पर्सन, एक होता है कि कोई रेफरेंसेस से आते हैं और फिर यू नो बार बार आपकी हर बात को हाँ हाँ हाँ, फिर कोई दायरा ही नहीं रहता ना बोलने के लिए। एग्जैक्टली, तो इन दैट वे आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट एंड देन प्लस आई वाज आल्सो यू नो ट्रैवलिंग आल्सो मेरी चल रही थी, तो अच्छा गया, एक्सपीरियंस अच्छा था, इट वाज नॉट बैड। तो फीडबैक आपको अच्छा मिला ऑडियंस से? या इट वाज गुड, इट वाज गुड, इट वाज नाइस, इट वाज ग्रेटफुल। इतना बूम भी नहीं था लेकिन इतना, इट वाज 50। All right, that's nice. बॉलीवुड फिल्म यंग मलंग के बाद पाकिस्तानी फिल्म मैं हूँ शाहिदा अफरीदी में आपको आइटम सॉन्ग करने पर काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, इस बारे में क्या कहेंगी आप? बेसिकली मैं हूँ शाहिदा अफरीदी का जो आइटम नंबर था वो पहला आइटम नंबर था पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए। All right. And of course, जो एक चीज पहली होती है तो काफी क्रिटिसिज्म का शिकार तो होएगा। Yes. और फिर काफी corrections भी बाद में इंसान करता है, so कुछ नहीं, I would say it was okay. बट ये ऑफर जब आपको की गई तो आपको मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि नहीं यार मैंने नहीं करना, यार मैं तो कुछ और सोच रही हूँ, मैं तो फिल्म में सोच रही हूँ, मैं वाई दिस आइटम नंबर? खैर, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से प्रोलॉन्ग हो रहा था एंड हुमायूं इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और जब मैं लेट नाइट शो करती थी तो हुमायूं केम इन माय शो मेनी टाइम्स एज अ फ्रेंड एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिंग, तो ऑफकोर्स जब उसने बोला ये चीज़ है, वुड यू लाइक टू डू इट, और उसकी भी पहली फिल्म थी एंड दैट, तो ऑफकोर्स आई वुड लव टू सपोर्ट अ फ्रेंड, एक इंसान जो इतना जेन्युइनली अच्छा है एंड जो आपको इतना अच्छी तरह सपोर्ट करता है, exactly, तो यू वुड ऑफ कोर्स नॉट से नो टू दैट, नो मैटर, यस, है ना? दैट्स परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट वाज द ओनली रीजन। आप हाल ही में नागिन ड्रामे में मस्तानी का मुनफरिद किरदार निभाती नजर आईं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई लव्ड वर्किंग इन नागिन, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। उर्दू बहुत मुश्किल थी, आई थिंक सो जो राइटर था वो भूल गया था कि मैं नागिन में होंगी, तो उसने जो उर्दू लिखी थी सब यूं सर पकड़ कर बैठ गए थे, इसको ये बोलना है, उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बोलूंगी, पर खैर कोई बात नहीं, करते करते हमने कर लिया। ते ओदे जी नागिन दा पार्ट कीता जी तुसी? यस। और बहुत इट वाज रियली फन, टीम बहुत अच्छी, और सांपों के साथ कैसे खेला और इतने बड़े बड़े अजदहा न्योले और इन सब के साथ कैसे परफॉर्म किया आप लोगों ने? खैर वो हो जाता था बेचारा, मैं कोई शीशनाग की बेटी हूँ जी, जी। मैं कोई इच्छाधारी हूँ जी, जी। जी। मेरे 100 साल पूरे हो गए जी, जी। और तेरे कब पूरे होंगे चाचा? और चाचा 200 साल का हो गया है, चाचा इच्छाधारी नहीं बनेगा, ये लच्छेदारी बनेगा, और ये लच्छेदारी भी नहीं बनेगा बल्कि ये एक अच्छा टाड़ी बनेगा। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको थोड़ा सा कथक भी आता है, जिनको थोड़ा सा पंजाबी भी आता है, स्टेप्स एंड ऑल यू नो जिस तरह के होते हैं, मगर आप वाहिद एक्ट्रेस हैं जो बैले डांसर कहलाती हैं, तो आपका बैले डांस जो कि आप इतनी परफेक्ट बैले डांसर हैं, आपका यूटिलाइज क्यों नहीं किया कोई परफॉर्मेंस? वेल अभी आई एम लर्निंग पोल डांस। Pole dance, really? Yeah. But it's very difficult. And yes, it is. आप आसमान पे चढ़े और उसके बाद पंखा बन के नीचे उतरे, हर चीज का एक स्टेप होता है, तो चंद चीजें हैं जो मैं एक्चुअली लाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आई डोंट नो बट आई बिलीव दैट जो इंसान उन चीजों में काम करता है, द इंटरनेशनल मीडिया,
they know how to deal with, you know, stuff like this, the choreographers and everyone, especially the directors. जब मैंने शुरुआत की थी, हमारी Lollywood industry baby था. अभी तो फिर भी बहुत mature हो चुका है. Exactly, exactly. मतलब उस वक्त everyone was trying, कुछ ना कुछ नया हर बंदा try कर रहा था. अफीजा आप शकीरा को तो जानते होंगे. अरे शकीरा इज अ डांसर, बैले डांसर. यार ये एक सिंगर है और जिसने वो गाना नहीं गाया था वर्ल्ड कप का, वो वक्का 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 वक्का, वो डांसर भी बहुत अच्छी है. अच्छा 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 जी 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 जी. अच्छा एक काम कीजिए ना, हमारे पास ये दो लड़कियां हैं, इनको बड़ा शौक है डांस सीखने का. इवेंट तो आज इनके लिए तो बड़ी बात हो जाएगी कि ये बैले डांस सीख लें, अगर आप सिखा दें एक आध स्टेप. दैट्स सो स्वीट. आइए ना जी, आ जाओ. आइए जी, चले जी. चट गया, लगता नींद पूरी नहीं हुई. तो किधर सोता ही पिया से, घोड़े ने आके लत मारी के उठ मोल लिया. सोता ही रहना, उठ के बाहर वेख तेरे की हालात बदले ने. मौला जट साहब, आपका पैर ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत भाग वाला पैर है आपका. आप जहाँ भी रख देते ना, फिर उस काम की रीत पड़ जाती है. आप अंदर गए ना, अब ऐसा ऐसा सारी पार्टी अंदर जाएगी. आप बाहर आए ना, सारे आपके पीछे भी आ जाएंगे. ये आपके लिए वो गाना सूट करता है, आना जाना लगा रहेगा, दुख आएगा सुख जाएगा. हुण मैं इत्थे आ गया, तुसीं भी सारे अंदर ही जाओगे. मैनू साफिया ने सवाल किया है कि तुसी हस क्यों नहीं रहे, ते मैं अगो जवाब दिता है, ओए असी ते खुल के रो भी नहीं सके. और मौला जट साहब, आपने कहाँ रोना, आपके पीछे पूरी कौम रो रही है. पहले आप रुला के निकल गए, अब ये रुला रहे हैं. और सारी कौम रो रही है, हमारा पैसा लुटा हुआ वापस करो. तू गल ना कर, सुखियां रोटियां दा दलिया बनाउण वालिया. तुम्हें ना बोल, दलिये दी सुखियां रोटियां बनाउण वालिया. मेरे भतीजे नूं मुल्को बाहर नहीं जान दे रहा. ओना क जुलम कर जिन्ना क जुलम सह सके. फीकी सियासी कॉमेडी का आगाज हुआ चाहता है. तुम भी चुप कर जानी, सिलाई तो बगैर स्वेटर उन्होंने लिए. तुम भी चुप करो, सारी सर्दियां एक ही स्वेटर च कड़न वाले. ओए चाचा वेख ले ये दा तसाब, मालिम जबाल लीजिंग केस, एदे मगर नैप लगदी नहीं ते साडे मगरों लेंदी नहीं. मौला भाई की गल्ल,
बंदे का किया ना उसके आगे आता है। केड़ा आगे आंदा है? तुम 25-30 सालों से हमारे पीछे पड़े हुए ना, अल्लाह करे 25-30 साल नैब भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहे। ओए बदवामा देनिया ते एनु दियो ए जेदा मुंह ही बदवा लेन वाला है। ओए बगैर बर्फ तो गोला बनाउण वालेया। ओ चुप कर, बगैर गोले तो बर्फ बनाउण वालेया। तू बोल तोते कोलो उर्दू गाने सुनन आलिया। सुन ले ओए उर्दू गाने कोलो तोता सुनन आलिया। खान साहब ना तुहाडी कोई हुकूमत दी पॉलिसी दी समझ आई है ना तुहाडी जुगत दी समझ आई है। ओए अगर समझ नहीं आ रही फिर दंद क्यों कड रहे हो? असी मुसबत रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि सानू हुक्म होया हालात जो मर्जी होन तुसी हसी जाना। और चाचा तुम तो हंस के भी बुरे लग रहे हो। तू बुरा लग के भी हंस रहे हैं। ओए मेरे नाल जो होइए मैं सह गया वहां, तेरे नाल जो होएगी तू अनु सह नहीं सकेगा। गेंद तो बगैर छक्का मारना। तो वे चुप कर, छक्के तो बगैर गेंद मार लिया। मेरिया गल्लां ते टेप ला के मैनू वापस करी जा रहे हैं। मौलिया की गल है? ओए तू ते तू हुण ते तेरे स्पोक्समैन भी फड़े जा रहे हैं। ओए ये स्पोक्समैन तो कहीं रह गए, मैंने तो इसके स्पोर्ट्समैन भी पकड़ लेने हैं। मौला भाई की गल है? क्यों नहीं करवा सके अपने भाई की रिहाई? ओने केड़ा मेरी करवाई। मौलिया की गल है? बार फैसला बाद मुंडे फिक्कियां जुगतां कर रहे ने। मैं लेके आ रहा हूं।